अभी सही दोनों हैं, और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे उसके आधार पर बिहार के लिए गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही सही ये तो नहीं है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो एक ही 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। चौथे पैरा में कहा गया है उसी एफिडेविट में कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। पांचवें पैरा में कहा गया था जो केंद्र सरकार को छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है। तो अगर पांचवा हट गया, चौथा तो है ही। लेकिन हास्यास्पद ये है कि ये लोग वो बात कह रहे हैं जिसको कभी किसी ने कंटेस्ट किया ही नहीं है। ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके इनके आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में, योजना बनाने में जो सरकार करना चाह रही है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। शपथ पत्र भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया और कुछ ही घंटे के बाद पांचवें पैरा को ये कहते हुए कि ये भूल से, चूक से, अब समझ लीजिए मधावासी का आलम कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल करने में भी भूल या चूक हो जा रही है। क्या स्थिति है? और पांचवें पैरे को हटाया भी तो उससे इफेक्चुअली जो कहते हैं उसके अंतिम मतलब असर में, प्रभाव में क्या फर्क आता है? चौथे पैरा में कहा गया है उसी एफिडेविट में कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। पांचवें पैरागण में कहा गया था जो केंद्र सरकार को छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है। तो अगर पांचवा हट गया, चौथा तो है ही। लेकिन हास्यास्पद ये है कि ये लोग वो बात कह रहे हैं जिसको कभी किसी ने कंटेस्ट किया ही नहीं है, किसी ने उस पर विवाद नहीं खड़ा किया है। हम लोग तो राज्य सरकार तो शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। हम लोग कहा कभी कहे कि हम लोग जनगणना करा रहे हैं? अभी 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 सही दोनों हैं, और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे उसके आधार पर बिहार के लिए गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही सही ये तो नहीं है। सही सही अभी 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 जनगणना में, और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो एक ही 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए, और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है,
ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके इनके आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में, योजना बनाने में जो सरकार करना चाह रही है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं, उससे आप क्या चाहते हैं उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो करना चाह रही है और सरकार का जो मकसद है वो हम बता रहे हैं। अब आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आपकी समस्या है। नहीं नहीं, आप अभी देखिए, इसमें सीधा ये समझिए ना कि जो आंकड़े आएंगे वो सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं, आज तक बोलिए ना देश में किसी प्रदेश के पास ऐसे आंकड़े हैं नहीं है। और बिहार में ये बिहार पहला राज्य होगा और ये आंकड़े सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं है, ये भविष्य में भी, ये भविष्य की सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी, समझ गए ना। इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहिए और इतने पवित्र और नेक काम को किसी गलत सलत चीज से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इलेक्शन कराने की बात पर एक बार कयास लगाया था और अब फिर दोबारा ममता बनर्जी की तरफ से यही सवाल आ रहा है। अब देखिए, एक बात बोलिए, आप लोग में से कौन आदमी है जो इस बात को नहीं समझते हैं, जो केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराती है कि नहीं कराती है, ये फैसला कौन करेगा? आप नहीं जानते हैं। अगर कोई बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है, वो कोई गारंटी थोड़ी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है, उन्होंने एक संभावना कहा है, उनको लगता है।